माय इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो आज मध्य प्रदेश स्पेशल की बात हम करेंगे, तो बने रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश स्पेशल की पूरी श्रृंखला आपको मिल जाएगी और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका एमपी स्पेशल से मिस नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश स्पेशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा ये एमपी स्पेशल का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और अब तक जितना जल्द से जल्द हो सके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पे इसके पहले हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया था कि जो कि यहाँ पे हमने प्राचीन चीन कालीन इतिहास, तो प्राचीन काल का इतिहास जो था तो उसमें हम धीरे धीरे बहुत आगे आ चुके थे। तो यहाँ पे नवपाषाण काल ये सब हम आपको बता चुके थे, उसके बाद वैदिक सभ्यता ये सब बता चुके थे। तो वैदिक सभ्यता के बाद यहाँ पे और आज उसके आगे हम बात करेंगे। तो आज हम महाकाव्य काल को जानेंगे। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता हो गई, उसके बाद महाकाव्य काल क्या होता है उसके विषय में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। तो महाकाव्य काल के अंतर्गत तो राम क्या क्या आता है, तो जो कि एमपी से रिलेटेड होंगे। तो महाकाव्य काल में जो एमपी में घटित हुई घटनाएं हैं वो सब यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो रामायण काल के समय प्राचीन मध्य के अंतर्गत महाकांतरण तथा दंडकांतरण के घने वन थे। उसके बाद राम ने अपने वनवास का कुछ समय दत्तकरण अब छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए थे। तो यह मैं पूछ सकता कि रामायण के समय प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतरण तथा दंड थे घने जंगल मतलब थे, ये जानते रहिए। उसके बाद राम ने अपने वनवास का कुछ समय कहाँ बिताया था, तो दंड का रण है जो कि छत्तीसगढ़ में इस समय पड़ता है में व्यतीत किया था। तो उम्मीद करते आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, और तो सेक्शन अच्छा लग रहा होगा और यहाँ पे पूरा जो कि श्रृंखला दिया हुआ तो उसी को हम चर्चा करेंगे। व्यतीत किया था उसके राम के पुत्र क्रूस जो दक्षिण कोसल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शाण विदिशा पर शासन किया। तो ये इतना हम जानेंगे। उसके बाद और जैसे कि यहाँ पे जो एमपी में जो जो गठित हुआ वो सब सारी श्रृंखलाएँ चर्चा किया जा रहा है। रही बात तो बस आप बने रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। उसके बाद जनश्रुति है कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुंस ने वंशजों में रखी थी। उसके बाद रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकारण्य के शासक थे अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे, जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नीद विंद तथा आनुविद क्रमशः अनूप अवंती तथा विदिशा के शासक थे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पुराणों के अनुसार विंध्य प्रदेश तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति के लोगों को निवास करते थे। उसके बाद पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त नर्मदा घाटी से प्राप्त औजार इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चय है कि यह घाटी उस समय सभ्यता का केंद्र रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ रामायण महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अश्रु अनुश्रुतियों के अनुसार अंतिम वयस्क मनु के 10 पुत्रों में कुरुषण नामक पुत्र द्वारा कुरुष देश की स्थापना हुई थी। या मैं दे सकता है जैसे कुरुष देश की स्थापना कैसे हुई तो ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे कुरुषण जो कि नामक पुत्र द्वारा हुई। तो कुरुषण कौन था, तो वो महाभारत के पुराणों में वर्णित अनुश्रुतियों के अनुसार वयस्क मनु के 10 पुत्रों में से 10 पुत्रों में एक कुरुषण थे जो वर्तमान के रीवा आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो रीवा संभाग यहाँ पे
धीरे धीरे संभाग जब हम पढ़ाने लगेंगे एमपी का, तो वहाँ पे और अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद वयस्क मनु की पुत्री ईला का विवाह सोम से हुआ, जिसका चंड वंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरुरवा था, जिसके अधीन ऐसे साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। उसके बाद ययाति के पुत्र यदु द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चरमवती, जो कि चंबल में पड़ता है, उसके वेत्रवर्ती जो कि बेतवा में, तथा सूतिमती जो कि केन के अंतर्गत सिंचित प्रदेश था। उसके बाद इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। तो यहाँ तक हमने श्रृंखला को पढ़ा, और एमपी स्पेशल की श्रृंखला जारी रहेगी। और जो भी हो बस आप बने रहिए। अरे कुछ है थोड़ी ना, बस यही सब मतलब भोजपुरी बोलने से समझ में आता था क्या? भोजपुरी ज़रूर बोले, हाँ भोजपुरी ज़्यादा नहीं बोलते ना, भोजपुरी मतलब बोल देंगे तो बेकार लगने लगता है। तो बेकार तो यही जान जाइए कि मतलब अपने आप को बहुत का कह लें कि थोड़ा सा हमसे बुलाना है हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश प्राचीन काल के प्रादेशिक नाम, तो क्रमशः प्रादेशिक नाम तो अवंती दे देगा किसका नाम था। तो वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग, तो एमपी के मैप आप ले लीजिएगा, वहाँ पे वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग है, जो कि राजधानी उज्जैनी थी। तो अवंती तो दे देगा कि अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी जी कहाँ पे है, तो वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग में है। उसके बाद आकर, तो वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग, उसकी राजधानी वेदिस नगर या विदिशा थी। उसके बाद अनूप, तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र की राजधानी माहेश्वर माहिष्मती थी। तो बाहुबली का माहिष्मती का सिंहासन बहुत देखे होंगे, तो लगभग वही समझ लीजिए। तो कुछ यहाँ से भी उसका बाहुबली मूवी में उसका पार्ट को लिया गया है। तो अनूप, तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र की राजधानी माहेश्वर माहिष्मती थी। उसके बाद चेदित, तो महाभारत कालीन चेदी का विस्तार सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक था। उसके बाद परवर्ती चेदी राज्य कलचुरियो का था, जिसका अधिकतम विस्तार उत्तर के कलिंजर तक था, किंतु अधिकतर यह राज्य ऊपरी नर्मदा घाटी के चारों ओर ही विस्तृत रहा। तो इसके बाद महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शक्तिमती तथा सुक्ति सा वह थी, जो जातकों में शोथितवर्ती कहलाई। इसके बाद कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी, तो दे देगा कि कलचुरियों की राजधानी क्या थी, तो त्रिपुरी थी। तो नाम उठे पटांग लगेगा तो ऊट पटांग लगने दीजिए, क्योंकि पहले का नाम होता है ना, तो पहले का नाम। और इसके बाद मान लो थोड़ा सा धीरे धीरे अंग्रेजी वाला नाम पढ़ने लगेगा बच्चों को। उसके बाद दर्शाड़, तो दर्शाड़ कभी मालवा का भाग था तो कभी स्वतंत्र प्रदेश। उसके बाद दसाई नदी घाटी के प्रदेश की राजधानी ए रण रही। इसके बाद वत्स ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद, तो वत्स का था तो प्राचीन क्षेत्र का जनपद था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो यार एक बार घंटी को जरूर गना दीजिएगा, और माय इंडिया चैनल के साथ जुड़ जाइए, यहाँ से आपको प्रॉपर लाभ जरूर मिलेगा। तो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, अरे यार हेलीकॉप्टर आप खुद उड़ाइए, क्या ज़रूरी है, थोड़ी ना है कि किसी का देखे। आप खुद क्वालिटी रखिए, बन जाइए आप भी, तो आप के अंदर एक नहीं हजारों हेलीकॉप्टर से आप चलने लगेंगे। तो लागल लागल झुलनिया में धक्का भलम कलकत्ता गए, तो जुड़ जाइए माइंड ये चैनल के साथ।
इसका वस ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद, तो वस दे देगा एग्जाम में क्या था, तो ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद। उसके तुंडी के तो दामोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद है, तो तुंडी केर दामोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद है। उसके भारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया। इस क्षेत्र या युद्ध में काशी, वत्स, दर्शाण, चेदी तथा मत्स्य जनपदों की राजाओं के पांडवों का साथ दिया, जबकि महास्मति के नील, अवंती के बिंद, उसके अधंग, भोज, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया। तो और आगे आएंगे, उसके बीरापट्टी, बीराटपुरी, तो सुहागपुर जो कि उज्जैनी, उसके बाद माहिष्मति महेश्वर, उसके कुंतुतलपुरा, कौडिया इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। उसके बाद महाजनपद की बात करेंगे, तो वही 16 महाजनपद। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आगंतुक निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 जनपद का उल्लेख मिलता है, जब इसमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के अंग है। तो दे देगा कि 16 महाजनपदों में एक कौन कौन से मध्य प्रदेश के अंग है, तो चेदी और अवंती। तो चेदी अवंती जो कि मध्य प्रदेश के अंग है, और सब कहाँ के हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में तैयार कीजिए कि और सब कहाँ है। उसके बाद चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में था, जबकि राजधानी शक्तिमती थी। उसके बाद अवंती महाजनपद अत्यंत ही विशाल था, यह मध्य तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, कौन कौन से, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उसके बाद उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति। तो समझ लीजिए माहिष्मति कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार वही माहिष्मति का सिंहासन, बाहुबली है, बाहुबली 2, बाहुबली 3, 3 नहीं 2 2 2। उत्तर अवंती तथा दक्षिण अवंती के मन नेत्रावती नदी बहती थी। उसके बाद पाली ग्रंथों के अनुसार और बुद्ध काल में अवंती का राजधानी उज्जैनी थी। उसके बाद पुषाणों के अनुसार पुलित नामक सेनापति ने यदुवंशी वीतिहोत्र का वध करके अपने पुत्र चंड प्रो द्योत को अवंती का शासक बनाया। उसके बाद चंद्रप्रघोत महात्मा बुद्ध का समकालीन था, जबकि अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद अवंती के दो प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे, तो कुरुघर, उसके बाद सुदर्शनपुर थे। उसके बाद पुषाणों के अनुसार चंड्रप्रघोत के 23 वर्षों से शासन के पश्चात पालक विशाखयूप, अजक तथा नंदीवर्धक नामक शासक हुए। उसके बाद और आगे आएंगे तो माई इंडिया चैनल से जुड़ जाइए, कुछ है नहीं, बस आपको पूरी श्रृंखला यहाँ पे मिल जाएगी, थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी पीछे, थोड़ा सा रोके, थोड़ा सा गाके, सब खत्म हो जाएगा। तो कालांतर में मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में उसके मात्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया तथा प्रद्योत वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया गया। अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद शिशुनाग के पतन के बाद नंदवंश का शासक मध्य प्रदेश में रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश प्राचीन जनपदों में परिवर्तित नाम, तो वत्स जो कि ग्वालियर, उसके चेदी खुजराहो, उसके तुंडीकेर तो दमोह, उसके दसांड तो भी दीता, उसके अनूप तो नीमाड़ जो कि खंडवा, उसके अवंती उज्जैन, उसके नलपुर तो शिवपुरी। उसके बाद
प्राचीन नगर तो मध्य प्रदेश, राज्यों की राजधानी सामान्य परिचित तो माहेश्वर, तो मालवा एवं नर्मदा के घाटी, तो मैप आप लिए होंगे तो उसमें देखते रहिए मालवा का और नर्मदा की घाटी कहाँ पे है। तो ऐसे जनरल सा क्राइटेरिया दिमाग में बनता है कि कैसे याद किया जाता है। तो माहेश्वर, मालवा एवं नर्मदा का घाटी नगर जो कि प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक, उसके बाद विदिशा तो ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी का विख्यात नगर, उसके उज्जैनी तो ईसा पूर्व लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी का विख्यात नगर, इसके बाद एरण तो ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी का नगर, मालवा का सीमांत नगर, उसके बाद दहा तो 10वीं ईस्वी लगभग का नगर, उसके बाद दसपू तो 10वीं ईस्वी लगभग का नगर, उसके बाद मांडू तो 10वीं ईस्वी लगभग में प्रारंभ किंतु 15वीं सदी में पुनर्स्थापित, उसके बाद इंदौर 18वीं शताब्दी के विकसित नगर, उसके बाद भोपाल तो 18वीं शताब्दी के विकसित नगर। तो यहाँ पे नोट, तो पैसा वाला नोट नहीं, मतलब नोट मतलब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो वाला नोट है। तो भोपाल नगर उस झील के अवंती मैदान पर बसा है जिस झील को मांडू के शासक होनसांग ने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे और आगे आएंगे तो कुछ करना नहीं है। देखिए थोड़ा सा कंप्यूटर पूरा हैंग करने लगा, तो यहाँ पे पूरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग करने लगा था, तो कोई बात नहीं। तो नोट हम जैसे देखते ही अच्छे अच्छों का दिमाग खिल जाता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे नोट देख लिया तो इसका भी माइंड कुछ डैमेज हो गया। तो यहाँ पे मौर्य काल की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासक में अशोक 11 वर्षों तक अवंती मालवा तथा प्रांतपाल राज्यपाल था। उसके बाद अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। अशोक ने अपना विवाह विदिशा के नगर सेठी सेठ की पुत्री देवा से किया। उसके बाद संघ मित्रा, तो विश्वमित्रा कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो कि एक ह्यूमेन रोबोट है जो कि इसके द्वारा बनाया गया, तो इसरो के द्वारा, वो सब जानते रहिए। यहाँ पे संघमित्रा है और तो ये MP स्पेशल चल रहा है, उसको छोड़िए। तो संघमित्रा और महेंद्र जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्री लंका भेजा था, इसी पत्नी देवी से जन्मे थे। उसके बाद मौर्यकालीन अभिलेख, तो मौर्यकाल के जो अभिलेख है उसको यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के पुत्र निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में था। तो रूपनाथ तो जबलपुर के सीहोर तहसील का एक गांव जो कि रूपनाथ, जबलपुर के सीहोर तहसील। उसके बाद गुर्जरा तो दतिया, दतिया आप देखिए MP में कहाँ पे है। उसके बाद सा तो मारो तो सहडोल, उसके बाद पानगुरा सिया तो सीहोर, उसके बाद सांची तो साइन, तो यहाँ पे सायसेन में अशोक के शिलालेख इन बातों का प्रमाण मौर्य वंश में मध्य प्रदेश के घनिष्ठ संबंध है। तो समझ लीजिए MP स्पेशल 30 क्वेश्चन करीब रहता है और यही जो कर लेता है वो MP में वो अधिकारी हो जाता है, नहीं तो फिर वही। तो इसीलिए कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। इसके बाद मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास का साक्ष्य जबलपुर की सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेखों के प्रमाणित होते हैं। कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुजरा में अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवाना प्रियदर्शी के रूप में उल्लिखित है। उसके बाद गुप्त युग तक सांची का नाम काकनादवाट था, यहीं से अशोक का शब्द भेद अभिलेख मिला। जी तुम्हें उसने संघ भेद को रोकने हेतु राजाज्ञा प्रचलित की थी। उसके मौर्य कालीन स्मारक, तो मौर्य कालीन स्मारक की बात करेंगे तो
यहाँ पे उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, तो वो नहीं जा रहा दिमाग में, जाएगा यार थोड़ा थोड़ा, अगर जा रहा है तो मज़े बहुत जा रहा है, 2 बार 3 बार देख लेंगे ना तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें। तो मौर्यकालीन का बौद्ध स्तूप, तो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया, जिसके अवशेष वर्ष टेकरी का नीपुरा नामक टीले के रूप में विख्यात है। उसके बाद साची राय सेन का स्तूप, जिससे अशोक के बाद अशोक शासक को एक व्यक्ति द्वारा दान देकर विस्तृत किया गया। उसके उज्जैन के समीप सोढ़न, उसके बाद कुरघर, उसके बाद रणजीत हनुमान, उसके बाद आमुखेड़ी इत्यादि अनेक स्थलों से भी बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद सांची का महास्तूप, तो अशोक ने तीरी शताब्दी, तो तीरी तीन री थ्री 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 मतलब 3 1 2 3 3 री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दे देगा कि सांची का स्तूप का निर्माण कितने और कब कहाँ हुआ था एमपी में, तो यहाँ पे सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने 3 री शताब्दी से सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूलतः ईंटों का बना हुआ था। इसमें महास्थवीर महामोदगल्यायन एवं सारिपुत्र की अस्थियाँ रखी हुई हैं। तो ये सब अस्थियाँ सब रखी गई पहले के जो विद्वान थे। उसके बाद 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। तो सांची के स्तूप की खोज की थी द जनरल टेलर ने कब, 1818 में। उसके बाद सर्वप्रथम 1912 से 1920 के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार कराया। उसके बाद शतधार स्तूप कनिंघम ने 1853 के आसपास इस स्थान की खोज की। यहाँ अभी तक 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया स्तूप क्रम संख्या 2 में उल्लेखन में से कनिंघम महादेव को सारिपुत्र और महामोद के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए, जो सांची स्तूप क्रम संख्या 3 से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अंधेरे के स्तूप क्रम संख्या 2 से उल्लेखन से कनिंगम महादेव को गोतीपुत्र के शिष्य वाधिपुत्र, उसके कौंडिन्य गोत्र के गोत्रीपुत्र काकनाव व प्रशासन तथा गोतीपुत्र के शिष्य गोगलीपुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके स्तूप संख्या 3 से कनिंगम को हारीरी पुतस की अस्थि अवशेष मिले हैं। तो उम्मीद करते रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माइंड ये चैनल के साथ जुड़ जाइए। धीरे धीरे एएमपी स्पेशल हम ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद सोनारी स्तूप, तो सोनारी स्तूप के तो 2 बार 3 बार देख लेंगे था वो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। उसके सोनारी स्तूप में उत्खनन में कनिंगम महोदय को अस्थि मंजूषा में संचित अस्थि का छोटा सा भाग मिला है, जो संभवतः महात्मा बुद्ध का दांत था। तो जो कि सोनारी स्तूप पहले स्तूप वगैरह बनवा देते थे तो मतलब पता चला कि यही स्तूप में इनका दफना गया, तो यही सब सोनारी स्तूप जो है, तो सोनारी स्तूप का जब उत्खनन किया तो कनिंगम महादेव को अस्थि मजूसा हमें संरक्षित अस्थि का छोटा सा भाग मिला है, जो समझता महात्मा बुद्ध का दांत था। तो वो अभी ये सब विद्वान देखने को यार आपको नहीं मिलेंगे। युग बीत जाती हैं, सदियाँ बीत जाती, रिश्ते बन लें समझ लीजिए कि फिर भी कुछ नहीं होता, समझ लीजिए चाहे जो सब आते हैं और चले जाते हैं, बस अपनी लीला है, बस यादें रह जाती है, कोई जिंदगी में कुछ नहीं रहता। उसके बाद इसीलिए कह रहे हैं माइंड ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। तो इसके बाद भोजपुर स्तूप, भोजपुर विशा में 37 स्तूपों में अवशेष प्राप्त
पाए गए हैं। इसी प्रकार रायसेन जिले के खरवई के दो स्तूप का बिहार के अवशेष पाए गए। उसके भरहूत का स्तूप इसकी खोज सर्वप्रथम कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। उसके बाद दउर कोठार के स्तूप, तो दउर कोठार रीवा जिले में के यौथर तहसील के अंतर्गत स्थित है, जो मौर्य काल में बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो समझ में आ रहा है ना? अगर न समझ में आए तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जैसे इतनी बार कहेंगे वीडियो को और अच्छे समझाने के प्रयास। क्योंकि प्राचीन बौद्ध स्तूप क्रमांक 1 अशोक के 3री सदी में पूर्व निर्मित हुआ। उसके तुमैन के स्तूप, तो तुमैन जिला गुना विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यह 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कामतरावद के स्तूप खारगोन जिले में स्थित, तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके बाद हम समझ रहे हैं आप उब रहे हैं। तो भी अहमद ब्राह्मण साम्राज्य बाद में इतना ख़त्म कर ले बस थोड़ा सा है। तो तुमैन के स्तूप जिला गुना विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यह 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए। उसके बाद कसरावद के स्तूप खारगोन जिले में स्थित, कसरावद कस्बे से 3 मील दक्षिण में स्थित इतवर्डी बर्डी नामक टीले के उत्खनन से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। उसके बाद उत्खनन से प्राप्त मृद भांडो पर भूत एस घस, उसके बाद तहसील, उसके बाद सीहक का उल्लेख मिलता है। उसके माहेश्वर का नावदा टोली स्तूप, माहेश्वर एवं नावदा टोली पुरातत्व नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण तटों जिसे खारगोन जिले पर स्थित है। उसके बाद माहेश्वर के स्तूप के अवशेष से प्राप्त एक विशाल प्लेटफार्म जो कि कड़ी मिट्टी पर बड़ी ईंट की छाप से प्रयुक्त है प्राप्त हुई। उसके बाद पानगुड़ारिया का स्तूप, पानगुड़ारिया के से प्रसिद्ध प्रदक्षिपाड़ीयुक्त स्तूप मिला। यहीं से एक मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद मौर्यकालीन आहत सिक्के, तो चांदी तथा तांबे से निर्मित ये आहत मुद्राएं उज्जैन विशा माहेश्वर त्रिपुरी सांची वे नगर एरड आदि से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मौर्यकालीन नगर साम्राज्य, तो मौर्यकालीन नगर साम्राज्य तो मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन नगर में त्रिपुरी एरड माहिष्मती भागी इल विदिशा उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख थे। तो एग्जाम में जाने से पहले 2 बार 3 बार रिकॉल करके वीडियो जितनी बार देखेंगे आपको उतना ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसलिए कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार रिकॉल करके वीडियो को देख जाइए। तो यहाँ पे मौर्यकालीन नगर राज, तो मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन नगरों में त्रिपुरी एरड माहिष्मती भागीन विदिशा उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख थे। उसके बाद बौद्धग्रम में, तो खींचने दीजिए, बौद्धग्रम में उज्जैनी नगर का नाम आच्युतगामी उल्लिखित है, जबकि महाभारत काल में उज्जैन सादिपनी आश्रम के नाम से विख्यात थी। तो और ब्राह्मण भी ले चलें यार, ख़त्म करने दीजिए, ख़त्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ठीक है यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, फिर इसके बाद तो अगले पार्ट में हम दे देंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, और चैनल ना सब्सक्राइब किया तो माय इंडिया चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभमय हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे जुड़ जाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।